शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के बिहार की राजधानी पटना पहुंचते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बुधवार को आदित्य ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे सबसे पहले राबड़ी आवास पहुंचे। यहां पर तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। टीवी टुडे की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना आदित्य ठाकरे के प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव एक ही कार में बैठकर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस बैठक की व्यवस्था तेजस्वी ने ही की थी। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी, इसमें राजनीतिक रंग अपना लाए, यह मेरी आपसे विनती। आज ये यहाँ आए हैं, हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई है और आप सब लोग जानते हैं कि देश जो है हमारा युवा देश है, ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे।